वो 36 ऑल आउट और आज में सिर्फ इतना फर्क है कि उस टाइम पे रवि शास्त्री बहुत देर से इंडिया के कोच थे, गौतम गंभीर अभी बने हैं, उनकी जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी है। पर धीरज आप भी अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि क्या गौतम गंभीर ने कहा था कि सारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट यार खेल लो, दुलीप ट्रॉफी खेल लो, रणजी ट्रॉफी खेल लो। जवाब आपके पास है। उनमें से एक प्लेयर रोहित शर्मा भी थे जिन्होंने नहीं खेला, जिन्होंने उसे खेलना मुनासिब नहीं माना। सिर्फ रोहित शर्मा के ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोहित शर्मा के रन नहीं है, हाँ उनकी कप्तानी, उनकी फील्डिंग, सारी बातें मैं आपकी मानता हूं, वो कप्तान और कोच कंडीशन ही नहीं रीड कर पा रहे। बाकी के रन्स है, विराट के रन्स है, शुभमन के रन्स है, केएल राहुल बाहर क्यों बैठे हुए हैं? जब हारते हो ना, अगर आप उस दिन कह रहे हो कि लोग गलत थे, आई थिंक तो आज गलती मत करो। नहीं नहीं, आई थिंक ये डिबेट का उस दिन वो गलत था, कोच कप्तान को गाली देना, अगर आप मानते हो वो गलत था, नहीं नहीं, तो फिर आज भी सिर्फ दो लोगों को कटघरे में रख दोगे, बाकियों को आपने दे दी खुली छूट, अश्विन को भी, जडेजा को भी, सबको खुली छूट। नहीं नहीं, ये डिबेट का, इवन ऋषभ का यार इस मैच में, ये डिबेट का खैर कोई पॉइंट ही नहीं है। और दूसरा, किसी को डिफेंड करना कि चार साल पहले आठ साल, मैं उस मामले में जाता ही नहीं हूं। मैं मानता हूं भाई रवि शास्त्री ने, बाय द वे मैं इतना भी बता दूं, रवि शास्त्री ने जितनी खरी खोटी सुनी होगी, मुझे नहीं लगता इतिहास में किसी कोच ने, ग्रेग चैपल को अलग रख दूंगा मैं, गौतम को भी शुरू हो चुका है, अभी तो शुरुआत है राहुल भाई, लेट मी फिनिश, रवि शास्त्री ने तो जितनी किसी ने नहीं सुनी होगी उतनी खरी खोटी। सबसे बड़ी बात कि रवि शास्त्री के दौरान इंडिया ने बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी दिए, इंडिया ने एक तरीका बनाया। आज जो हम डिक्लाइन देख रहे हैं, या जब तक हमने जो हमने देखा कि भाई उठ रही थी, उसमें रवि शास्त्री का भी एक रोल रहा है। एक दूसरी बात यह है भाई, उसके बाद राहुल द्रविड़, द ग्रेट राहुल द्रविड़, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जब ये इंतजार था कि राहुल भाई आप प्लीज कोच बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, आए भाई, मेजॉरिटी ऑफ हिज टेन्योर राहुल द्रविड़ ने, उन्होंने गालियां ही खाई। क्यों? इंग्लैंड की एक सीरीज का एक मैच बचा हुआ था, वो आप हरवा कर आए, साउथ अफ्रीका गए लीड कर रहे थे, वो हरवा कर आ गए, इस दो वर्ल्ड कप 22 का वर्ल्ड कप उन्होंने T20 खेला, वहां इंडिया आगे नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, WTC फाइनल एक हार गया, एक एशिया कप हार गए आप, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ हिज करियर। तो भाई ऐसा है, गौतम गंभीर को भी, एंड एवरीबॉडी नोस कि इंडिया की कोचिंग इज परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन अर्थ, बट गौतम गंभीर ने कहा है कि मुझे ये लेनी है। और सिंपल सी बात है, आप उस टीम बस का हिस्सा हो, आप वो जर्सी इंडिया की पहन रहे हो, यू विल गेट दोज एक्यूलेट्स एंड ब्रिक बैट्स इन इक्वल मेजर। आज आपको हीरो बनाया जाएगा राहुल द्रविड़। एक बात मैं बताओ, राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप जिताया, रोहित शर्मा ने उन्होंने कॉल करके बोला कि राहुल भाई रुक जाओ, रुक गए, वेरी गुड, T20 वर्ल्ड कप जीता है, एक्सीलेंट। बट लोग भी वही थे जिन लोगों ने ना मेजॉरिटी ऑफ हिज टेन्योर राहुल द्रविड़ को खरी खोटी सुनाई, उसके बाद बोला राहुल द्रविड़ वाह, राहुल द्रविड़ वाह। तो जी गौतम गंभीर, और मैं तो मानता हूं गौतम गंभीर, इसीलिए मैं तो भाई किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, ना रोहित को करूंगा, ना विराट को करूंगा, ना गौतम गंभीर को करूंगा, ना वो रायन टेंडुलकर, पता नहीं अब पता लगेगा कि भाई क्या है। एंड हूज रायन टेंडुलकर, उनका ही बयान था कि इंडिया की बैटिंग स्पिन, मुझे मनोज ट्रेन के आगे आने वाला बंदा नहीं चाहिए, मुझे वो बंदा चाहिए जो कुछ क्वालिटी डाल सके इस टीम में। ठीक है, मॉर्ने मॉर्गल, आई अंडरस्टैंड, मॉर्ने मॉर्गल इज अ मतलब बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ डालेंगे। रायन टेंडुलकर यार, हम एक बात बताओ, हमारे यार विक्रम राठौर जो बैटिंग कोच थे, बिट्टू पाजी आपके, उनका सब मैं बोलता था कि वो क्या है, वो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट ही है क्या, थ्रो डाउन ही करते रहते जब देखो, और उनके टेन्योर में ही आपके बल्लेबाजों के रन नहीं आए थे ना, उनका भी होता था, सब कुछ होता। हु इज रायन टेंडुलकर, कौन है? रोहित, विराट, गौतम गंभीर, चलो गौतम गंभीर शुड कंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज,
डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।